नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं Realme के 7 Pro के बारे में। दोस्तों, इस फोन में हमें एक नया अपडेट देखने को मिला है। दोस्तों, ये जो अपडेट है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है और ये ज़रूरी क्यों है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे दोस्तों उन्हें पता चलता है कि जिस अपडेट के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो फटाफट से वीडियो को बंद करके उस अपडेट को करने लग जाते हैं। दोस्तों, आप ऐसा ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ ज़रूर बातें बताने वाला हूँ, ज़रूरी बातें, जिससे दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ सके कि दोस्तों ये जो अपडेट है आपके लिए कितना ज़रूरी है और आपको ये फोन किन किन लोगों को करना चाहिए और इस अपडेट को करने के बाद हमारे फोन में क्या क्या चेंजेस होंगे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में धन्यवाद है, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये जो अपडेट रियलमी का 7 Pro में। दोस्तों, ये अपडेट दोस्तों 226 MB समथिंग का, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। बट दोस्तों, इसमें हमें जो चेंजेस मिलते हैं वो ये हैं कि आपके फ़ोन में पहले दोस्तों थोड़े बहुत बक्स आ रहे थे, वो फिक्स होने वाले हैं। और दोस्तों, आपके फ़ोन जो चल रहा है वो चल रहा है एंड्रॉयड 10 के ऊपर। दोस्तों, ये जो अपडेट है ये रियलमी ने इसलिए दिया है कि जब आप अपने फ़ोन में ये अपडेट कर लोगे, दोस्तों जैसे जिन लोगों के पास रियलमी 7 Pro है उनमें दोस्तों ज़्यादातर लोगों के पास ये अपडेट आया है, और जब सारे लोग इस अपडेट को अपने फ़ोन में अपडेट कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद Realme अपने इन यूजर्स को Android 11 का अपडेट देना शुरू करेगा। दोस्तों, आपके फ़ोन में अगर ये अपडेट आया है तो आप इसे मिस ना करें, आपको ये अपडेट करना ही पड़ेगा। उसी के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में Realme अपने फ़ोन में Realme दोस्तों Realme 7 Pro में Android 11 और One UI 2.0 का अपडेट भेजेगा। तो अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया दोस्तों तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों, इस अपडेट को करने के बाद आपका आपके फ़ोन का जो सिक्योरिटी पिच लेवल है वो हो जाएगा दोस्तों जून का। तो फिर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा अपडेट है, और दोस्तों थोड़े बक्स फिक्स होने वाले हैं और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है कि आपकी दोस्तों नोट भिन बार चेंज हो जाए या फिर दोस्तों कोई UI चेंज हो जाए, और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आपके फ़ोन में अगर जो अपडेट आया है तो आप इसे फटाफट से कर लो, क्योंकि इस अपडेट को करने के बाद ही आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट रियलमी देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।